तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर जौली ग्रांट एयरपोर्ट का लोकार्पण जो है उड्डयन मंत्री ने किया और सिंधिया ने उद्घाटन किया। सीएम दामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे और सभी सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट पर बना नया टर्मिनल है। लगभग 1800 यात्रियों की क्षमता का है ये नया टर्मिनल। तो उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में आज से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो गई है। जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई हेली सेवाओं का उद्घाटन किया है उन सभी लोगों ने, और साथ ही जौली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण भी किया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री विश्वन सिंह चुफाल, सांसद अजय टमटा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, मेयर सुनील उनियाल गामा मौके पर मौजूद रहे। और बता दें कि कुल 353 करोड़ की लागत से तैयार नए टर्मिनल के फेज वन का काम पूरा कर लिया गया है। बता दें कि जौली ग्रांट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में आधुनिक सुख सुविधाओं के लोगों को राज्य की विराट संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलेगा। टर्मिनल में अंदर आने पर राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की झलक दिखाने वाले 3 स्तंभ बनाए गए। इन्हीं स्तंभों के सामने राज्य की कलाकृतियों को दर्शाया गया है। 250 के मुकाबले अब बढ़कर लगभग 1800 यात्रियों की क्षमता का नया टर्मिनल बनाया गया है। और इससे बीच रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी को लगा है बड़ा झटका। विनोद का प्रमाण ने थामा है बीजेपी का दामन और बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने ज्वाइन की है बीजेपी। इसके अलावा आपको जानकारी दी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प भेंट कर उनका जोरदार स्वागत भी किया। और पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनाकर अब उसकी तस्वीरें भी आपके सामने बनकर तैयार हो चुकी हैं तीनों गुफाएं, जबकि एक गुफा का सौंदर्यकरण किया गया है। पहाड़ों पर बनी पत्थर की पुरानी गुफाओं में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ मंदिर में दाईं ओर दुग्ध गंगा से गरुण चट्टी तक 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई हैं। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 में पहली ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब कुल 4 ध्यान गुफाएं बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों का रुख किया था और वहीं पर उन्होंने ध्यान गुफा बनाने के आदेश भी दिए थे, जिसके बाद इन गुफाओं का निर्माण किया गया। गुफाओं को सुविधाओं से लैस करते हुए इन्हें आधुनिक बनाया गया। ये सभी गुफाएं लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। गुफाओं के निर्माण में 27 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और समर्थकों के एक बड़े काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू उत्तराखंड के बाजपुर में रुके हुए हैं। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने राजेंद्र सिंह संधू के आवास पर विश्राम किया। बाजपुर में किसानों के प्रतिनिधि मंडल में उनसे मुलाकात की। इस दौरान सिद्धू मीडिया से नहीं मिले और लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी की ओर रवाना हो गए। और वही आगामी विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में प्रदेश ही दोनों मुख्य पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस दमखम से तैयारियों में जुटी हुई है और दोनों ही पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं। लेकिन जहां एक ओर बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के नेता काफी शांत नजर आ रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंचकर जहां बीजेपी को ऑक्सीजन दिया है, तो वही कांग्रेस के नेताओं का दौरा अभी तक तय भी नहीं हो पाया है।
और भाई आरएसएस चीफ मोहन भागवत का उत्तराखंड दौरा, जो यहाँ 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में रहेंगे मोहन भागवत। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संघ कार्य की गति और विस्तार पर करेंगे बात। बैठक में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल होंगे। धर्म जागरण, ग्राम विकास और गौ संवर्धन पर चर्चा होगी। सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर भी चर्चा होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 11 अक्टूबर तक हल्द्वानी में रहेंगे मोहन भागवत और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। संघ कार्य की गति को और विस्तार पर बातचीत यहाँ पर लगातार की जाएगी। बैठक में कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी भी शामिल होंगे, जिनसे मंथन होगा। धर्म जागरण, ग्राम विकास और गौ संवर्धन पर भी बातचीत संभव है। और विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिनों जिप्सी सफारी चालकों का अखाड़ा बन गया है। रोटेशन की खुशियां मनाने के साथ साथ बड़ा विरोध सामने आ गया है और अधिकांश जिप्सी चालक ने अपनी चाबियां कॉर्बेट प्रशासन को सौंप कर विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। होटल एसोसिएशन ने भी रोटेशन का विरोध शुरू कर अपने रिजॉर्ट्स बंद कर चाबियां कॉर्बेट प्रशासन को देने का ऐलान कर दिया है। पर्यटन कारोबारियों ने कॉर्बेट निदेशक से उनके कार्यालय में बैठकर बात की, लेकिन बेनतीजा रही ये बैठक। वही रोटेशन को निरस्त किए जाने के विरोध में आए होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का यह कहना है कि कॉर्बेट द्वारा बिना किसी सूचना और गाइडलाइंस के हिटलर शाही द्वारा इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया, इसका वो विरोध कर रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में जिप्सी रोटेशन की व्यवस्था लागू की है और एक पारदर्शी व्यवस्था इस पार्क के अंदर लागू हुई है। उसके में उसकी वजह से जो है सब में खुशी का माहौल है और सभी लोगों को जो है सबको काम सबको दाम की ओर हम जो है बढ़े हैं। निश्चित तौर पर इसका जो है संदेश पर्यटकों में और क्षेत्र की जनता में अच्छा संदेश जाएगा। जहाँ तक कुछ लोगों का विरोध का सवाल है, हमारे ये समझ में नहीं आया उनका विरोध का कारण क्या है, क्योंकि जो लोग आज विरोध में उतरे उनको जिप्सी चलाने वालों का लगता है कोई समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए उनको जो है अपने कर्मचारियों को मजबूरी में सड़क पर उतारना पड़ा। मामला यह है कि कॉर्बेट पार्क में ओवरनाइट कल रात से एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है जो रोटेशन प्रणाली के तौर पे हम लोगों के सामने आई है, जिसका ना किसी को बताया गया, एक जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारे पर्यटन को मारने का प्रयास किया जा रहा है, कॉर्बेट में बदनामी के लिए काम किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, हजारों होटल बंद होंगे और जितने यहाँ के लोकल व्यवसाय करते हैं उन सब लोगों पे फर्क पड़ेगा, और जिसका रोटेशन प्रणाली का हम लोग हमारी एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बिना पूछे हुए, बिना संज्ञान में लिए हुए, बिना नीति बनाए हुए, बिना विमर्श किए हुए एकदम से रोटेशन प्रणाली लागू कर दी गई। यार उसमें इतनी खामियां आ रही है रोटेशन प्रणाली में कि आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई आ रहा है, कहीं का गेस्ट आ रहा है, किसी को ले जा रहा है, कहीं ले जा रहा है। टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी में 5 पदकों के साथ देश का गौरव बढ़ाने वाले टोक्यो पैरालंपिक के निशानेबाजी के कोच सुभाष राणा का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुभाष राणा का फूल माला और मिठाई खिलाकर अभिवादन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको 3 से 4 घंटे का समय भी दिया गया और सभी खिलाड़ियों के एक एक करके बात की। उन्होंने कहा कि पीएम के साथ हुए संवाद खिलाड़ियों के साथ उनके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव पल था। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी उनको चुनाव मैदान में उतारेगी तो वह उसके लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्म जोशी के साथ मिले, मतलब हमें, मैं पहले भी कई प्रधानमंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनके समय मतलब 3.5 से 4 घंटे वो हमारे साथ बैठे, एक एक आदमी से बहुत विस्तार में बात करी और जो उन्होंने एक माहौल बनाया वहाँ पे और जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन भरा आगे के लिए, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना। और देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा, खासतौर पे युवाओं के लिए, क्योंकि मैं युवाओं को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उनके लिए ये 2 चीज़ें हैं। एक तो नशे से दूर रहें, अगर दूर नहीं रह सकते हैं तो देशभक्ति का नशा पालें, जो कि हर जगह काम आएगा। और दूसरा थोड़ा सा मतलब धैर्य का धैर्य दें। हमारे युवा क्या हैं, एक काम पकड़ेंगे वो नहीं होगा तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो नहीं होगा तीसरी तरफ, तो उनका एक ये और संदेश देना चाहूँगा, कोई भी काम करते हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, मतलब आपकी जीत सुनिश्चित है। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं।
तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारियों में लग गई है। रुड़की की फेरान कलियर विधानसभा के पाटली गुजर गांव में अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद मुरसलीन ने बैठक में शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद मुरसलीन ने मोहम्मद समीर अलवी को फेरान कलियर विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। मोहम्मद मुरसलीन ने कहा कि हम सभी कांग्रेसी हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है। मेरा नाम समीर अलवी है, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं इसका अच्छे से कार्य करूंगा। मैं जितने भी लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश करूंगा, सबके पास जाऊंगा और सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा जितने से मेरा होगा। मैं अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले जितने मेरे भाई पदाधिकारी है, जो मेरे साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज समीर भाई को इन्हें विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है, विधानसभा कैंडिडेट शरीफ की जिम्मेदारी दी है और मुझे बहुत विश्वास है कि हमारे आने वाले जो चुनाव में है उन्हें माननीय विधायक फुरकान अहमद जी को जिताने का कार्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। देखो, जो लखीमपुर में हादसा हुआ है वो दर्दनाक बहुत गलत हादसा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हमारे जो किसान भाई है, एक साल के करीब हो गया हमें सड़कें पड़े हैं, उन्हें बीजेपी सरकार भाई सपोर्ट तो क्या करती, उन्हें और कुछ अंधेरा कार्य। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।